थी, उनको इतना स्कोर नहीं बनाने देना चाहिए था, और दुख बहुत हो रहा है अभी एक दो दिन तक लग रहा है कि घर से बाहर निकलना, किसी से बात करना बहुत मुश्किल होगा। हारे भी बंदा तो किसी वजह से हारे, कोई खेला तो सही, जवानों की तरह खेला तो सही, मेरे मुंह पे थूटे, इन्होंने कुछ करा तो सही, वो तुम अच्छे शेयर हो, तुम लोग देखो बंदा एक आध रन से हारता है तो बस, तुम लोगों से तो ना बैटिंग हुई है ना फील्डिंग हुई है ना बॉलिंग हुई है, कितना किया इन्होंने, हमें जलील करवाया, कितना दिल चाहते सर फाड़ दे इनका सबका। हाँ ये चाह रहे हैं जिस बात में ऐसे, हमारे जिस बात इस टाइम ऐसे हैं, एक मैच हारने से सर फाड़ बंद करके मैच बने, अबे ये मैच नहीं खेलना की गल है ना, कारोबार बंद करके मैच देखा जा रहा। तो कह रही थी बाबर भी आज स्कोर करेगा सारे, क्या इनको क्या हुआ? पूरी टीम ने ऐसा किया है, अब किस किस का नाम लेंगे हम, ठीक है जाहिर सी बात है अगर कैप्टन चला जाता है तो बाकी प्लेयर्स के भी हौसले टूट जाते हैं ना। बाबर आजम बिल्कुल लूजर है, विराट कोहली किंग है इंडिया का, दिल करता है बाबर आजम को इतनी गंदी गंदी गालियां निकाले ना। 28 पे आउट हो गए हैं, दो बारियां भी ले लेते ना ये पाकिस्तान वाले तो फिर भी इनसे स्कोर नहीं था चेज होना, और मेरे ख्याल से इंडिया वालों को देना चाहिए था इनको कि भैया एक एक बारी और लो और खेल के दिखाओ, नहीं था होना इनसे, इनके बड़े भी आ जाते नहीं था होना, भैया जानबूझ कर हार रहे हैं हमें ये पता है। अच्छा जानबूझ के, हाँ जी ये जीतना चाहते हो, इनके लिए स्कोर कुछ भी नहीं है ये। हम कहते हैं हमारा बाबर आजम चलेगा, ये तो वो फुस पटाखा, ये चला ही नहीं, नहीं चला, जब जब वो चलता है तब उसे को लोग देखते नहीं, ये देखो हमने दुआएं की है बारिश हो जाए, हाँ। यही है कि मायूसी से बच जाए कि बारिश हो जाए, मगर नहीं तब भी फेर रहा हूँ मैं, करूँ पाकिस्तान जीत जाए, हम तो यही कर सकते और क्या करें। तुम उल्टी तस्वीरें फेर रहे हो, सीधी फेरते तो वो जीत फेरे, उल्टी फेरे सीधी फेरे जीतना पड़े थे, विराट विराट कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ पाकिस्तान जीत जाए, बारिश हुई है ना उसकी वजह से हम हारे हैं, बारिश है वो तो दोनों के लिए थी। किधर गए हमारे बैट्समैन, किधर गए जो आप कहते हैं हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारा बाबर वो गोबर आजम के नाम से जिसको मशहूरी मिली है उसने क्या किया है? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानियों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत कैसे इतने बड़े अंतराल से हरा दिया है, लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है कि ये भारत के सामने टिक पाए। वहीं एक बार फिर से विराट कोहली ने साबित कर दिया कि रियल किंग कौन है और घंटे का किंग बाबर आजम कौन है। तो एक बार फिर से बाबर आजम ने भी साबित कर दिया कि बाबर आजम को घंटे का किंग क्यों कहा जाता है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी जनता भी इस बाबर यानी घंटे के किंग बाबर आजम को जलील कर रही है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया में सबसे ज़्यादा खौफ बना हुआ है कि विराट कोहली का, विराट कोहली केवल पाकिस्तान के ही मैच में इतना ज्यादा क्यों चलता है? बाबर को हीरो बनाया हुआ था, बाबर तो फुस हो गया, दस दस फुस नहीं हुआ, दस रन बना के गया बस, जिस तरह अब मैच का इतना देखा गया तो हाँ। ये हंसी, ये अंदर से हंस रहे हो कि रो रहे हो, क्या हो रहा है? अंदर से रो रहा हूँ, बाहर से हंस रहा हूँ, ये पाकिस्तान का गम है और इंडिया की तरफ से। विराट कोहली और बाबर आजम को हम कंपेयर करते हैं, उसने तो सेंचुरी बना दी और हमारा बाबर आजम, हमारा बाबर आजम उस टाइम प्रेशर में था इसलिए उसे कुछ हुआ नहीं। कौन सा प्रेशर है जो हारने पे ही आपको फील होता है? जो इंडिया ने प्रेशर दिया पाकिस्तान का, ये वो प्रेशर है। इतनी बुरी तरह पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं हारा, तारीख उठा ले तारीख, 228 रन से इंडिया जीता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। किधर गए हमारे बैट्समैन, किधर गए जो आप कहते हैं हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारा बाबर वो गोबर आजम के नाम से जिसको मशहूरी मिली है उसने क्या किया है? नहीं ऐसे वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दुख हुआ बस। पाकिस्तान मैच हारा है तकरीबन 228 जो रन है उसके साथ मैच हारा है, और इसके अलावा 128 129 पे ऑल टीम जो आउट हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये भजन जानबूझ कर हारे हैं हमें ये पता है। अच्छा जानबूझ के? हाँ जी ये जीतना चाहते हो, इनके लिए स्कोर कुछ भी नहीं है ये। ठीक है तो अगर लेट्स सपोज जानबूझ के ही हारना था इतने बड़े स्कोर से, मतलब पाकिस्तान तो आप देखें, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैच हारे हैं, मैं ये कहूंगा मैच खेले ही नहीं है सिरे से। ये कह रहे हैं कि जिस जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से हम हारे हैं। अच्छा। और दूसरे नंबर पर ये है कि जो बारिश हो गई है ना वो कह रहे हैं कि जे अगर हम इतनी ज्यादा चेज कर लेते तो अच्छा था, और स्कोर तो इनकी बनी नहीं, बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गया और रिजवान भी जल्दी आउट हो गया, इसको तो स्कोर इनसे बना ही नहीं है, खेला ही नहीं गया। ये कह रहे हैं कि मैच बारिश की वजह से हारे हैं, तो बारिश तो इंडिया वालों के लिए भी थी, कौन सा सिर्फ पाकिस्तान साइड पे, मतलब जो है वो जब बैटिंग कर रहे थे अगर तो तब बारिश हो रही थी या बॉलिंग कर रही थी, बारिश तो दोनों दफा पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए। हर जगह पे हम कहते हैं जीतेगा, जीत नहीं रहा, क्रिकेट इतनी बुरी तरह से क्यों फ्लॉप हो रही है हमारी? ये बीच में दो दफा बारिश हुई है ना, इसकी वजह से इंडिया को चांस मिल गया है। इंडिया को एक दिन बारिश हुई और इंडिया को चांस मिल गया, एक दिन थोड़ी ना, पहली दफा मैच ड्रा हो गया। ठीक है, पहली दफा अगर हो जाता तो ये रिजल्ट आने थे, रिजल्ट आने नहीं थे, 10 विकेट उनकी उड़ गई थी, विराट कोहली 2 नंबर या 4 नंबर पे आउट हो गया था, रोहित 2 नंबर पे आउट हो गया, इनको चांस मिल ही नहीं सकता था। मतलब हम लक से जीतेंगे, परफॉर्मेंस क्या है हमारी इतनी बुरी तरह 128 पे सारी की सारी क्रिकेट टीम आउट। देखें हमारी जो टीम है ना पूरे वर्ल्ड में कोई उसका मुकाबला नहीं, बस कर दे ये देख लिया इतनी बुरी तरह। मैं वही आपको बता रहा हूँ, इनको चांस मिले हैं जिनकी वजह से ये लोग जीते हैं, वरना इन्होंने जीतना नहीं था।
आप देखे ना कि देख दफा मैच ड्रा हो गया, उनको एक एक पॉइंट मिल गया, अब इनको रेस्ट मिली है जिसकी वजह से ये लोग खेल चुके हैं, वरना इन्होंने जीतना ही नहीं था। आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के हारे हैं, साजिश है, क्या वजह समझते हैं? भैया बच्चों को पता है ये क्या हो रहा है, समझ सबको समझ चल गई है, पता चल गया सबको ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं जरा बताएं देखने। बस ये गलत बात है ना, ये तरीका नहीं है, हम का वक्त इतना जाया करते हैं भाई, सब लोग इसे इनके लिए छोड़ते हैं, काम धंधा छोड़ते हैं, ये देखते हैं मैच। अच्छा आज तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मैच में खेल में हार जीत होती रहती है, क्योंकि हार जीत होती है, लेकिन इतने बुरे तरीके से हार और जीत इतने अच्छे तरीके से, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। एक साइड में हम कहते थे इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो बेस्ट टीम है, इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट टीम है, नंबर वन टीम है, नंबर वन टीम जिस तरीके से खेली आपको लगता है कि ये नंबर वन टीम है? ये हम ये जब ये मैच शुरू हुआ ना, हम ये सोच रहे थे कि बहुत अच्छा खेलेंगे, कल जो यानी कि मैच डिले हो गया था बारिश की वजह से, हम आज तो इनसे तो वो आउट ही नहीं हो सके, सिर्फ दो आउट कल ही हुए थे, आज तो इनसे यानी कि इतना यानी कि आउट करने का यानी कि तरीका नहीं आया बाजुओं में। कह रहा हूँ पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए, ऐसे ऐसे करा जीत जाए, जीत वो हार गया, जो पिटाई हुई है ग्राउंड में उस पे क्या कहो, आगे बंद कर ली थी, ओ मैं क्या कहूँ, उधर बंद कर दिया था क्योंकि मुझे तोड़ने वाला था, बस घरों ने कहा कि नहीं 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 इस पे गुस्सा नहीं निकालना, इस पे गुस्सा नहीं निकालना। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान इतनी बुरी तरह हारा, क्या जज्बात है इसमें? नहीं ये बारिश ना होती तो उसने हारना नहीं था, वैसे बहाने छोड़ दो बहाने, नहीं बहाने वाली बात नहीं है इसमें, चांसेस बाबर को क्या कहेंगे, बाबर के ऊपर पूरा पाकिस्तान टिका हुआ था, बाबर तो जीरो पे ही फोड़ देखे, वो हीरो था अब भी है रहेगा, लेकिन अप एंड डाउन चलता रहता है, विराट उनका हीरो है रहेगा, कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है? नहीं परफॉर्मेंस तो उसकी थोड़ी बैठ जा रही है, मानते हम परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी बैठ जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह जीतेंगे एशिया कप। कुलदीप यादव की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? बॉलिंग तो वो ठीक कर रहा है, 5 विकेट ली है, हाँ जी ली है उसने, हमें लगता था कि वो बंदा टफ टाइम देगा और उसने दिया जी। और बांग्लादेश की टीम में और इंडिया की टीम में फर्क तो है, फर्क तो है। फिर क्या वजह हम हर दफा इंडिया के साथ प्रेशर में आ जाते हैं, क्या उन्हें ज्यादा मजबूत टीम समझते हैं? यही समझते हैं, हम तो नहीं समझते, हम तो इनकी दाद देते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके? सर हम यही कहेंगे कि पिछला मैच जो इंडिया के साथ खेले थे हम अच्छा खेले थे, ठीक है, आज बैड लक रही है हमारी, कोई ऐसी बात नहीं है, प्रेशर था उनपे भी था, उनपे हम आपको लगता है उनपे प्रेशर था जिस तरीके से वो सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रहे हैं, प्रेशर हमारे खुल गए, खेल रहे खुल गए, दो खेल रहे कम से तो ऐसे ही है, तो आखिरी दो प्लेयर भी नहीं आए, अपने प्रकार से 20 ओवर लगा गए, मगर गिर गया, ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा मैं ना दो छक्के ला दे रहे हैं, इनसे अच्छी लीड जो है ना वो खोते कर जाते हैं, नहीं फिर भी हमारे हीरो हैं, नहीं भाई वो ठीक है हमारे हीरो हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ दो लफ्ज ही बोलूंगा कि इनसे अच्छी जो है ना वो खोता बेहतर कर जाता है। मैच भी हमारी आंखें टिकी हुई थी कि चले शायद किसी बहाने पाकिस्तानी वहां में खुशी मिल जाए, अच्छा फिर बस क्या करें, अब हमारे मुकद्दर में लानत लिखी हुई है, मुकद्दर में लानत लिखी हुई है, खैर ये छोड़े, अगर हमारे प्लेयर्स जो है अच्छी परफॉर्मेंस करते, ये रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान ने, इतनी बुरी तरह इंडिया से कभी नहीं हारा, रिकॉर्ड है ये, 2-3 दफा वो उस पिच पे खेल चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस हो गया था खेलने का, ठीक है अब तीसरी बारी वो खेले हैं तो उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, बाकी 2 दफा तो उनको पूरी टीम को बुक भी किया इन्होंने, बाकी इस बार चलो उनका लक हो गई है तो इंशाल्लाह फाइनल में देखेंगे क्या बनता है। बॉलिंग भी इस दफा इंडिया की जबरदस्त, बैटिंग भी इंडिया की जबरदस्त, उन्होंने वो बुमराह की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उन्होंने आउटस्विंग और इनस्विंग बहुत अच्छी किया, उसके बाद वो बैटिंग भी उसकी उनकी बहुत अच्छी थी, विराट ने भी 100 किया, उसके बाद राहुल ने भी 100 किया, बट लेकिन ये है कि बाबर आजम हमारा अच्छा कैप्टन है, अच्छा खेलता है, बट लेकिन उसको पहली इनिंग मिली है उनके साथ खेलने के लिए, लेकिन 10 रन प्रेशर तो होता है ना, 24 बॉलों पे 10 बस प्रेशर होता है, उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी, देखें आप मैच देखा जी? देखा, देखने लायक था, बहुत बुरी हुई है भाईजान, नहीं क्या वजह है ये, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मैच हारे हैं, हम ये कहेंगे कि मैच खेला ही नहीं है शायद, इंडिया वालों की वजह से बहुत बुरा, क्या इंडिया की वजह से हारे हैं, पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा कि आज का मैच कल पे पड़ा है, ठीक है इस दफा जिंदगी में देख रहे हैं कि कल का मैच आज, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल से कोई साजिश हो गई है? आईसीसी वालों की तरफ से ये साजिश है, ठीक है बारिश हो रही है और मैच शुरू हुआ है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है भाई को भी, मैं पहले यही बोल रहा था कि अगर बारिश की वजह से हम हारे तो बारिश तो इंडिया वालों के लिए भी हुई है ना, हुई है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने तो वो अपनी क्या कहते हैं खेल लिया हुआ था, अपनी तो स्कोर अपनी रनिंग उन्होंने पूरी कर ली थी, लेकिन इनका भी हक बनता है ना अपनी कारकर्दगी पूरी दिखाते। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारतीय टीम ने इतने बड़े अंतराल से इन पाकिस्तानियों की औकात दिखा दी है। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम हार गई है, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान को इतने बड़े रनों से हराकर भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि 228 रनों से हराना और 128 रनों पर पाकिस्तान को ऑल आउट कर देना ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, और इन पाकिस्तानियों के लिए इतनी औकात है कि ये पाकिस्तान वाले भारत के खिलाफ एक भी नहीं चल पाए। और ये बातें करते हैं कि हमारे घंटे का किंग यानी बाबर आजम विराट कोहली से भी आगे निकल गया है, और हमारे बॉलर और बल्लेबाज नंबर 1 बॉलर बल्लेबाज हैं,
लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी नंबर वन बॉलर को भारतीय बल्लेबाजों ने इनकी औकात दिखा दी है। वहीं जब रोहित शर्मा और सुमन गिल ने पारी की अच्छी शुरुआत करके दी तो विराट कोहली और केएल राहुल ने इन पाकिस्तानियों की औकात दिखा दी है और दोनों ने शतक मारकर ये साबित कर दिया कि विराट कोहली को रियल किंग क्यों कहा जाता है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विराट कोहली की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है और हमेशा विराट कोहली की चर्चा पाकिस्तान में होती रहती है। तो वहीं एक बार फिर से जोरों शोरों पर चर्चा चल रही है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा विराट कोहली की चर्चा क्यों होती है। लेकिन आपको बता दें कि विराट कोहली ने भी साबित कर दिया कि विराट कोहली को पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग पसंद क्यों करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर अभी भी पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हुई है कि पाकिस्तान इतने बड़े अंतरालों से कैसे हार गई है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले कहते थे कि हमारे नंबर वन बॉलर हैं, लेकिन यही नंबर वन बॉलर और नंबर वन बैट्समैन कहां गए जब भारत के सामने इनका पाला पड़ा तो इनको औकात याद आ गई। वहीं ये पहले हर बात को लेकर कंपेयर करते हैं कि हमारे घंटे का किंग विराट कोहली से आगे निकल गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये घंटे का किंग बाबर आजम कभी भी विराट कोहली के पैर के धूल के बराबर नहीं है, तो ये कैसे आगे निकल सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले नहीं सुधरेंगे, ये कंपेयर करते रहते हैं और एक बार फिर से जलील होने के बाद भी विराट कोहली को लेकर कह रहे हैं कि बाबर आजम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले मैच में अच्छा होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।